हम 8 भारतीय कलाकारों ने और जनकपुर की जनता ने ये बहुत बड़ी कलाकृति तैयार की है, जो कि पूर्णतः अनाज से निर्मित है। 101 कुंटल अनाज लगा है और 11,011 स्क्वायर फीट में करीब 5 दिन तक काम चला जब जाके कलाकृति तैयार हुई है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजी गई है। जैसे ही उनका रिस्पॉन्स होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कम्प्लीट हो जाएगी। और विवाह पंचमी के अवसर पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होता है जनकपुर में, सीताजी की नगरी है, तो विवाह पंचमी के अवसर पर हम लोगों ने स्वयंवर वाली तस्वीर तैयार की है, जिसमें श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, विश्वामित्र जी और जनक जी भी हैं। जी, अलग अलग क्वांटिटी से भी अनाज की है। बेसिकली 11 प्रकार के अनाजों का यूज़ हुआ है, जिसमें मुख्यतः चावल आपको दिख रहा होगा। चावल है, मूंग, चना, सोयाबीन, गेहूँ, प्राय हम जितने भी अनाज देखते हैं वो सारे हैं। अनाज से बनाने का उद्देश्य ये भी है कि एक अलग मुझे करना था। जी, जैसे कि विवाह पंचमी का अवसर है और यहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि एक पॉइंट बनता है। यहाँ पर ये अनाज की जो प्रतिमा बनाई हुई है, कलाकृति बनाई हुई है, ये अपने आप में एक प्रोत्साहित करने वाली चीज़ है। और यहाँ पर जनकपुर में लोग आएंगे, इसे देखेंगे, तो जनकपुर में कुछ नया हो रहा है, इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और लोग इसको आकर देखते हैं, जिससे पर्यटन विभाग बहुत प्रभावित होगा। जनकपुर का जो पर्यटन है वो और ज़्यादा अपग्रेड होगा। मुझे यहाँ आकर के अति प्रसन्नता हुई। ये भी प्रसन्नता हुई कि गुर्जर जी ने ये स्वयंवर की तस्वीर 100 क्विंटल अनाज को यूज करके उपयोग में ले करके बनाई है। ये अपने आप में अद्भुत है। ये कह रहे हैं कि ये विश्व में सबसे बड़ी है और अनाज का कोई वेस्टेज या दुरुपयोग नहीं होगा। इसमें कोई कृत्रिम या रासायनिक रंग यूज नहीं किया गया है। प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक और नेचुरल खाद्यान्न का उपयोग करके बनाई गई है। ये अपने आप में एक अद्भुत है। इस प्रकार की संरचना और ये सब दोनों देशों की साझी संस्कृति को और मजबूत बनाने का काम करता है। ये अच्छा पहल है दोनों देशों की संस्कृति को प्रगाढ़ करने। यो प्रतिमा निर्माण में सतीश गुर्जर जी ने हमीरला इस्टिमेट दिभाजी पहले सुरू में 72 क्विंटल अनाज थी, तर इस पाली अभी हिसाब निकाल्न सकिएन, तर 80-90 क्विंटल अनाज प्रयोग प्रतिमा निर्माण में लगभग 15 लाख रुपया हमीर को खर्च, क्योंकि यह 15 लाख रुपया फिर जनकपुर महानगरपालिक 1 रुपया लगानी कर इभेन्ट में अलग हमीर को पैप्सन एन पैप्सन संपूर्ण नागरिक समाज, व्यापारी, उद्यमी र संपूर्ण नागरिक समाज को लगानी रहेको छ। खाली के गरेछौं, हामीहरुले एउटा निर्णय गरेर निर्माण कमिटी निर्माण कर दिया छौं, तिमी उद्योग वाणी संघको अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ र विश्व परिषदको अध्यक्ष सन्तोष सागर, दुई आदमीको नाउँमा यो जोइन्ट खाता छ। सबै पैसा त्यसमा कलेक्सन भइरहेको छ, खर्च पनि भइरहेको छ। मोटामोटी 15-20 लाख भित्रमा खर्च हुनेछ, र अहिलेसम्म पैसा कति उठेको छ भने र कति कसरी खर्च भयो भने हामी हिसाब साथ दिन्छौँ। जनकपुरवासीको तर्फबाट के आग्रह गर्न चाह्यो, इभेन्टलाई हामीले धेरै सकारात्मक लिएका छौँ, किनभने धार्मिक पर्यटकीय नगरीको रूपमा यो जनकपुर धाम र यो अनाजबाट बनेको प्रतिमाबाट पर्यटनमा धेरै ठुलो टेवा पुग्छ।